नमस्कार मित्रों, जय सियाराम, सुप्रभात मित्रों। आज 25 मार्च 2019 दिन सोमवार का संक्षिप्त पंचांग और राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिथि चैत्र कृष्ण पंचमी है, रात्रि 8:01 तक उसके उपरांत षष्ठी तिथि शुरू होगी। विशाखा नक्षत्र है, प्रातः 7:02 तक उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग वज्र है, सायंकाल 6:12 तक उसके बाद सिद्धि योग। और करण कौलव है, चंद्रमा दिन रात रहेगा वृश्चिक राशि में। मित्रों, आप बात राशिफल की। मेष राशि, आज का दिन मन थोड़ा खिन्न और अशांत रहेगा। व्रत की उलझनों से तनाव महसूस करेंगे। यात्रा के योग हैं, यदि टाल सकते हो तो टाल दें। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है, हालांकि बेवजह के खर्चों की अधिकता रहेगी। आर्थिक दबाव ज्यादा रहेगा, फिर भी कार्य रुकेंगे नहीं। थोड़ी सेहत संबंधी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन व सामाजिक क्रियाकलापों के लिए दिन अच्छा है। आज थोड़ा धार्मिकता के रंग में रंगे रहें, वही अच्छा है आपके लिए। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी में परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और लाभ थोड़ा कम रहेगा। घर कुटुंब में वाणी व्यवहार पर नियंत्रण रखें, धैर्य से काम ले, वरना कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 60। वृष राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक तरक्की के योग है, आय के नए स्रोत बनेंगे, आय में वृद्धि होगी और नई योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र आपका मजबूत रहेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। आपके विरोधी और शत्रु परास्त होंगे। घर कुटुंब और संतान पक्ष में सुख शांति रहेगी। आज पुराने मित्रों से मुलाकात के योग भी हैं, उनसे सहयोग भी आपको मिलेगा। आज थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य पर देना है, क्योंकि कार्य की व्यस्तता शरीर व मन दोनों को थका देगी। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। शुभता का प्रतिशत है 85। मिथुन राशि, आज का दिन शानदार रहेगा। थोड़ी व्यस्तता तो रहेगी और प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जीत आपकी होगी। लगभग सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि में मजबूत स्थिति है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। घरेलू मोर्चों पर थोड़ा धैर्य और बुद्धि विवेक से काम लेने की जरूरत है। कहा सुनी व तनाव की स्थिति से बचें। आज आर्थिक लाभ के योग भी है, लेकिन कोई यात्रा और खर्च भी संभावित है। आज मन अकारण ही चिंताग्रस्त रह सकता है, इसलिए आज थोड़ा धर्म और अध्यात्म की शरण में जाएं। धर्म, दर्शन, तंत्र मंत्र जैसे विषयों में आज आपकी रुचि भी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद से बचें और बुद्धि विवेक से काम लें व तालमेल बनाकर चलें। शुभता का प्रतिशत है 80। कर्क राशि, कर्क राशि वालों का दिन आज रचनात्मक गतिविधियों, मित्रों से मिलने जुलने और संबंधियों से मेल मुलाकात से भरा रहेगा। नए संबंध बनेंगे जो आगे फायदेमंद रहेंगे। आज भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें, मन की तेज गति और भटकन उलझन में डाल सकती है। निर्णय लेने में कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यवसाय में नए सहयोगी बन सकते हैं। कुछ मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ सकता है। आज आर्थिक निवेश व नए कार्य को शुरू करने से बचें। भाई बहनों, मित्रों, परिवारिक जनों से संबंध मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी से बचें, मधुरता बनाए रखें। शुभता का प्रतिशत है 65। सिंह राशि, आज का दिन मन आपका अशांत रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी रहेगी। घर का वातावरण थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। रहन सहन भी कष्टमय रहेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। धार्मिक गतिविधियों में रुचि रहेगी। धर्म, कर्म, अध्यात्म का सहारा लें, इससे तनाव कम होगा। रोजी रोजगार, कारोबार, नौकरी आदि में स्थिति संतोषजनक रहेगी। कार्य का अतिरिक्त भार तो रहेगा, लेकिन सहयोगियों की मदद से दिक्कतें दूर होंगी। अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। आज आप घर परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या फिर कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन में कटता रहेगी, इसलिए धैर्य और संयम से काम लें। शुभता का प्रतिशत है 60। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का दिन सफलताकारी रहेगा। आर्थिक गतिविधियों में सफलता के योग, कार्य क्षेत्र में मजबूती रहेगी। मान सम्मान व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज आप किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनेंगे। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन आप क्रोध व आवेश के अतिरेक से बचें।
संयमित व्यवहार करें, पुराने मित्रों से मिलना जुलना होगा, संबंधों का दायरा बढ़ेगा। आर्थिक निवेश के लिए दिन अच्छा है, पुराने रुके हुए कार्य आज पूरे हो सकते हैं। माताजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में कहा सुनी व तनाव के योग है, विवादित विषयों से बचें, मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें। शुभता का प्रतिशत है 80। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे तुला राशि से मीन राशि वालों के फल के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार। आपका दिन मंगल।